टू द माई YouTube चैनल। आज हम लोग आए हैं पीपल्स मॉल, जो भोपाल का बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों के मसनूई चीज़ यानी लोगों के ज़रिए बनाई हुई चीज़ यहाँ देखने को मिलेगा, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। और ये देखिए इतना बड़ा नज़ारा, और उसके अंदर हम जाएंगे जब तो वन बाय वन हर एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, जिससे आप भोपाल आने के बाद ऐसी यूनिक चीज़ को भूल ना पाए। क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं, जब तक आप स्ट्रगल करेंगे नहीं, तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए आज हम आपको पीपल्स मॉल भोपाल दिखाएंगे, जो मध्य प्रदेश का शायद इसमें सिनेमा हॉल भी है, लेकिन हम सिनेमा नहीं देखने वाले हैं, ठीक ना। सीनियर भी साथ में है और हम लोग साथ में हैं, जिसके ज़रिए से हम पूरा पीपल्स मॉल घूमेंगे और इन लोगों के साथ देखते हैं कि कैसा मज़ा आता है। फर्स्ट डे विथ सीनियर एंड जूनियर, चलिए ठीक है। मॉल ऑफ भोपाल देख सकते हैं, सब इंटर कर रहे हैं पीपल मॉल। चलिए देखिए आगे हम क्या क्या दिखाते हैं। ये मेन गेट है, जो देखें शिप की तरह बनाई हुई है, और उसके ज़रिए से हम लोगों को जानी है। देखते हैं क्या क्या देखने को मिलता है। सुना तो है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हकीकत में क्या क्या है वो भी देख लेते हैं, लेकिन अच्छा ही होगा। चूँकि मेरे को लग गया था अंदर में होगा ही ना। चलिए चलते आपको दिखाते हैं। ये है शुरुआती झांकियाँ। सब लोग खड़े हो जाए। यस यस, देख लें आप। एक तरफ से ये पढ़ाकू मंत्रालय लोग बैठे हैं, लेकिन अब एजुकेशन गया बाबा। चलिए देखिए खूबसूरती के, आप भी आ जाएंगे, नो टेंशन है। ये खूबसूरती के एक और झलक, ये हमारी यक्का, और इसमें बैठ सकते हैं, क्या बात है, वाट अ ग्रेट। और इसके नज़ारे को तो देखने के काबिल भी है, और हमारे सीनियर साहब भी मज़े ले रहे हैं और अच्छा ही रहेगा। ये यार ये एल्बम क्यों लगा दे, कुछ है लगता है कि सिनेमैटिक चीज़ है क्या इसमें अंदर। तो ये देखिए पिछले, ये सारे लोग सिर्फ यूरोप बर्तानिया के, स्विट्ज़रलैंड ये लैंड वो लैंड की बात करते हैं, ये भोपाल में है, ये कोई स्विट्ज़रलैंड में नहीं है या फिर अमेरिका में नहीं है। आगे देखिए पीपल्स, क्या है, वर्ल्ड, पीपल्स वर्ल्ड। अरे वाओ, दिस इट्स इनक्रेडिबल, माशाल्लाह, मॉल है कि वर्ल्ड है, इनक्रेडिबल। देखते रहे, और ये जिस पे आप सोचते हैं कैसे जाना, देखिए ये देख लीजिए आप भी, और पीछे के नजर बैठवा दो पापा, बैठवा दो यार, क्या कर रहे हैं। हाँ ये देखिए बच्ची की मस्तियाँ देख ले भाई। हाय हाय हाय, हाथ हिला दे, हाथ हिला दे, अरे हाथ हिला दे, उन्हें हाथ हिला देना, चलो छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह, ओ माशाल्लाह क्या बात है। और ये बच्चों के लिए, बच्चों के खेलने की जगह है, खेल घर। तो आप भी जब फैमिली विथ आएँ तो ज़रूर आएँ, इसके अंदर देख सकते हैं। हाँ ठीक 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 ठीक। तो ये है बच्चों के खेलने की जगह, टिकट लेके जा सकते हैं ना। अच्छा सिर्फ बच्चों का, अच्छा अच्छा। तो इस तरह से एक खूबसूरत नज़ारा है, जो आप जब भी मध्य प्रदेश आए, भोपाल आए, तो ज़रूर यहाँ लें और इसको यूज़फुल करें। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की एक और मिसाल देखिए, छोटे छोटे ये एकदम यूनिटी की किस तरह से मिसाल पेश कर रही है। इसमें सारी ख्वातीन ही है, जो देख सकते हैं आप। और इसमें पार्किंग टाइप की भी चीज़ें हैं, जो शायद बहुत ही अच्छा, शायद मैं पहली बार इस तरह के मॉल में आया भी हूँ और आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखें ये नज़ारा जो इनक्रेडिबल। उधर देखें एक औरत किस तरह से उसको बनाई हुई है, और ये हाथी, बंदर, तमाम चीज़। और ये देख सकते हैं, और पीछे एक सबसे खूबसूरत चीज़ है, जो तसन्नों के तौर पे है, और पीछे जो है एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए यस इट इज़, ओ माय गॉड, उसकी थोड़ी सी फ़ोटो बलगड़ आ रहे हैं, लेकिन मैं उसकी फ़ोटो खींच देख लें कि किस तरह से इस खूबसूरती के एक और नज़ारे यहाँ लिखा हुआ है।
लोकल सुविधा है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से पार्किंग का, अच्छा ये लगता है पूरा नक्शा है जो जिसमें हम आए हैं पीपल्स मॉल में, उसके ये नक्शे हैं। और ये पता नहीं और लोग किधर चले गए और आगे जा रहे हैं या कहाँ, मैं ही अकेला यहाँ पड़ा हूँ। तो फिर से आप देख सकते हैं किस तरीके के ये जाने का रास्ता, जहाँ पे इतना खूबसूरत सी जगह बनाई गई है। नाव पर चढ़ना एवं छूना सख्त मना है। ओहो, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं कि ये आप यहाँ नहीं जा सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, ज़रूरी भी है, वरना लोग यूं ही इस्तेमाल करेंगे और उसको नुकसान पहुंचाएंगे। चूँकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ज़रूरी है, हर लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि क्या पीछे देखिए, ताजमहल के जो लुक देख रहे हैं, शायद के अंदर में इसी तरह की चीज़ें हैं। आप मेरा एक मिनट, और ये सब देख लें, ये भी एक पीपल्स मॉल के खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखें, ये देखें कितनी अच्छी साइंसी चीज़ें हैं। आप जब भी मध्य प्रदेश आए तो भोपाल में ये सारी चीज़ें ज़रूर घूमें, क्योंकि देखें कितना अच्छा, कितना खूबसूरत चीज़ है ये, एकदम मीनारे बनाए गए हैं, मसनूई चीज़ें हैं, ये भी एक साइंस के इजादात में से एक हैं। तो इस तरफ और ख़ासतौर से यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के ये तस्वीरें बनाई गई है जो इनक्रेडिबल है माशाल्लाह। अब क्या ये भी इंडिया में है? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये झुमके देख लें, झुमके ये देखें। उधर ताजमहल का एक है कॉपी है जिस तरह से यहाँ पे बनाए गए हैं, और फूड कोर्ट, प्रवेश टिकट एंट्री ये सब है। ये हम लोग शायद बाहर के हिस्से में हैं, उसके बाद अंदर जाने का, अंदर तो और माशाल्लाह खूबसूरत ही होगा जो आपको ज़रूर दिखाऊंगा। दुनिया में कहीं ज़ू के बाद कहीं देखना है तो ये शेर को देख ले, मैं इसे टच कर रहा हूँ, ये शेर है। और एक तरफ और है खूबसूरत चीज़ जो ज़्यादातर जो अफ्रीका जानते होंगे, मसाई मारा, वहाँ के वहाँ तो रियल है, लेकिन अनरियल चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ ये है गोरिल्ला। दिस इज गोरिल्ला, हाय। तो ये भी इस पीपल्स मॉल की खूबसूरती में से एक है। इधर हॉल है, ये यहाँ पे लगता है फ़ोटो शूट करने की जगह है। लीजिए, फ़ोटो शूट करने की जगह पर मैं बैठ ही जाता हूँ और अच्छे से नज़ारे। तो आप चलते हैं अंदर के नज़ारे को दिखाने के लिए। ये स्टॉल टाइप में खूबसूरत सी जगह है जो हर एक चीज़ देख सकते हैं, ले सकते हैं आप जब भी आए पीपल्स मॉल। और ये देखें खूबसूरत नज़ारे, खिलौने ये है, यही इसको डेवलप करें ना आप। अभी मैं अपने वीडियो के जाने से पहले मैं वहाँ पे एक वीडियो बनाऊँगा जो शायद इस पीपल्स मॉल के लिए सही चीज़ नहीं थी, उसे देखने के लिए भी, उसे समझने के लिए भी। तो बराए करम नेतागिरी अपने घर में करें, आप जीतें, आप ही इख्तदार में रहें, लेकिन ऐसी चीज़ों को सब के लिए तहजीब का महवर बना कर रखें। और ये देखिए खूबसूरत, देखिए खूबसूरत, देखिए खूबसूरत, अच्छा ये देख लें, ये भी देख लें जो पूरे आँख में लगाकर गेम खेले जा रहे हैं, ये भी देख लें आप। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। तो दिस इज़ लास्ट व्यूज इन दिस गैलरी। ऊपर मेरे ख्याल से ऊपर रास्ते उठते हैं या मंजिलें हैं। पीपल्स मॉल आए तो ये 60 रुपए की टिकट लगेगी आपको, जो आपको दिख रही है इस तरह से। यहाँ इसके अंदर मास्क लगा के एंट्री होती है, लेकिन अब ओपन माई मॉल। तो ये देखिए अंदर, असल ये मेरे ख्याल से ये जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी घूमने की जगह है उसको इन्होंने एक जगह कर ला रखा है, वही मेन चीज़ है। पीछे देखिए वर्ल्ड, पीपल्स वर्ल्ड का किस तरह से बैनर लगे हुए हैं पीछे, और इधर भी ये है हमारे सीरियल। आज हमारी रहबरी के सबसे बड़े रहबर यही है जिसके अंडर हम लोग हैं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब भी कोई क्लास में बड़े हो, दर्जे में बड़े हो, तो वही बड़ा होता है। बाज़ाहिर में तो अब कुछ नहीं है, चूँकि आज
अब आज के ज़माने में सारे लोग बड़े ही हैं, सारे लोग छोटे ही हैं, अक्सर ये लोग कहते हैं, लेकिन नहीं, विदाउट बड़े के कुछ नहीं होता। तो आप भी रिस्पेक्ट करें और ये देखें, हम आपको घुमाते हैं ताजमहल। फर्स्ट टाइम में आपको ताजमहल, ये ताजमहल आप देखिए, ताजमहल कैसा लग रहा है। यू कैन काउंट ऑन रिंगलेट। यस, ये देखिए, ये देखिए, ओ माय गॉड, लुक लुक, ओहो अल्लाह।